ये बाढ़ और कटाव की भयावह तस्वीरें तेजस्वी के राघोपुर की है, जहां जनता बाढ़ के कहर से त्रस्त है और तेजस्वी सियासत में मस्त है। बिहार में सियासी हंगामे के बीच बाढ़ का कहर जारी है। खेती की जमीन गंगा की तेज धारा में समाती जा रही है। बाढ़ के खतरनाक होते हालात के बीच यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने अब पलायन शुरू कर दिया है। बाढ़ और पानी से बचने के लिए इलाके के लोगों ने अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। चारों तरफ गंगा नदी से घिरे राघोपुर के दियारा इलाके में कटाव का कहर जारी है। सड़कें, बाजार, मकान सब पानी पानी हो चुका है। क्षेत्र की जनता पूरी परेशान हो चुकी है, लेकिन इस सियासी शोर में आम जनता की परेशानियों को कौन सुनता है? जनता अपनी व्यथा सुना रही है और मदद की गुहार लगा रही है। दिक्कत है कि पानी घर घर में पैस गया है, लड़कन के रहे के कोई साधन नहीं है, ना डेंगी सरकार देते, ना कोई जन व्यवस्था है, ये ना है, बाल बच्चा के दुख है, गैस लेके जा रहे हैं, खाना ना पका के लड़कन के खियाबे के लिए। सरकार घर से गने कोई गने सुखित होगा तब ना लड़कन के गने अच्छा फायदा होगा। 18 नंबर से पूर्व है। हाँ, पानी घर घर में पैसा है, बाढ़ के पानी है, बाढ़ का पानी डूब गया है, वर्षा नहीं है। दिक्कत है कि बाढ़ आ गया, पानी है, गंगा जी के पानी है, बरखा के पानी है, घर घर में पानी हो गया, बाल बच्चा के पकाने के दिक्कत है, से गैस ले जाते हैं, चूल्हा ले जाते हैं पका के खियाने के लिए, आ कोई व्यवस्था नहीं है। अब कौन ले जाएगा? कुछ है ये नहीं है, बेटा नहीं है, पति नहीं है, सब बहरा गए। हाँ, पानी अब आ गया कि पानी ले जाएंगे, ना पानी आ गया। राघोपुर में गंगा नदी में कटाव की भयावह तस्वीरें अब डराने लगी है। राघोपुर में दूर दूर तक पानी ही पानी हो चुका है। बाढ़ का कहर अब लोगों को पलायन करने को मजबूर कर रहा है। साल दर साल बाढ़ के बावजूद बाढ़ से बचाव का इंतजाम नहीं होने की वजह से यहां पलायन करने की परंपरा बन गई है। बाढ़ आते ही हजारों परिवार को अपने घरों को छोड़ सड़कों और ऊंचे जगहों पर शरण लेना पड़ता है और एक बार फिर राघोपुर की जनता के सामने यही हालात पैदा हो गए हैं। राघोपुर की सड़कें, मकान और बाजार सबको जलमग्न है, यहां तक कि थाने में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। आम लोगों की तो छोड़िए, पुलिस वाले के लिए थाने तक पहुंचना इस कदर मुश्किल है कि थाने में नाव का सहारा लिया जा रहा है। पानी से लबालब भरे इन रास्तों को थाने में खड़े पुलिस वाले बाढ़ को लाचारी से देख रहे हैं, लेकिन आम जनता और क्षेत्र की परेशानी और बदहाली से भला इन नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? और नए नवेले उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव तो इन दिनों सियासी बयानबाजी में मस्त और व्यस्त हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की राजनीति इन दिनों खूब मस्त चल रही है। बदले सियासी हालात में भाजपा को सत्ता से बाहर कर तेजस्वी डिप्टी सीएम बन चुके हैं और इन सब के बीच तेजस्वी यादव शायद अपने क्षेत्र राघोपुर को और यहां की जनता को भूल गए हैं, जहां बाढ़ का सितम जारी है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।